हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद यूनिट वन वंडरफुल वेस्ट क्लास फिफ्थ वर्ड मीनिंग एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन न्यू फ्रेजेस इन ए फिक्स ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम एक कठोर कंडीशन जिससे बचना फ्लैश अक्रॉस द माइंड सडनली थिंक ऑफ अचानक से सोचना लो एंड बिहोल्ड लुक व्हाट ए सरप्राइज ट्रेडिशनल फीस्ट हर्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन ए स्पेशल ओकेजन किसी विशेष अवसर पे बनाया गया खाना जो सभी को अच्छा लगता हो और सभी गेस्ट को सर्व किया जाए वंडरफुल वेस्ट मैग्निफिशिएंट शानदार वेस्ट अनवांटेड जो बिना चाहने वाली चीज वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल वेस्ट भी कुछ यूजफुल हो सकता है फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी इस कहानी से खुद ही पता लगाएं वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस एक बार त्रावणकोर के महाराजा ने अपने महल में शानदार डिनर का ऑर्डर दिया इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर डिनर से पहले दोपहर में द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट फीस्ट भोजन में महाराजा ने किचन में एंटर किया सर्वे करने के लिए उस भोजन का जो फीस्ट के लिए तैयार किया गया सर्वे एग्जामिन निरीक्षण करना व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स ही आस्क्ड द कुक pointing to the basket of scraps near the cook. तुम इन vegetables के छिलकों का क्या करोगे? उसने cook से पूछा, जो उसके पास basket के अंदर रखे हुए थे, उनको point करते हुए. Cook is used here as a noun, cook खाना बनाने वाला. The cook replied, cook ने reply किया, they are waste. वो waste है. We will throw them away. हम उन्हें बाहर फेंक देंगे. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. तुम इन सब्जी के छिलकों और टुकड़ों को ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते. Find a way to use them. इन्हें use करने का कोई तरीका ढूंढो. The Maharaja commanded certainly and walked away. महाराजा ने उनको कठोरता से command दिया और चले गए. The cook was in a fix. In a fix means किसी problem का सामना करना. कुक अब प्रॉब्लम में था एंड केप्ट स्टार्टिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम और कुछ देर के लिए उसने सोचना शुरू किया वेजिटेबल्स के छिलकों का क्या किया जाए सडनली अचानक से एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड फ्लैश्ड अक्रॉस मींस कोई भी चीज अचानक से सोचना कि एक आइडिया उसके दिमाग में अचानक से आया ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल उसने सभी जो वेजिटेबल्स के टुकड़े थे उनको लिया उनको अच्छे से धोया और साफ किया देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स लंबे टुकड़ों में उसने उसके बाद उनको लंबे टुकड़ों में काटा ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक ह्यूज पॉट बड़ा घड़ा उसने इनको एक बड़े से घड़े में डाल दिया और आग के ऊपर पकने के लिए रख दिया कुक यूज्ड हियर एज ए वर्ब कुक यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टूगेदर ग्राइंड की सेकंड फॉर्म ग्राउंड उसके बाद उसने ताजा कोकोनट हरी मिर्चें और गार्लिक को इकट्ठा मिक्स करके ग्राउंड किया ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स उसने इस पेस्ट को और कुछ नमक को उस पकते हुए वेजिटेबल्स में मिक्स किया ए टेम्प्टिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट टेम्प्टिंग लुभा देने वाली अच्छी लगने वाली एक अच्छी लगने वाली स्मेल उस पॉट में से आनी शुरू हो गई नाउ ही व्हिप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी और उसके बाद उसने कुछ दही को व्हिप किया और उसको उस करी में मिला दिया ही ऑल्सो प्योर्ड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल और उसके बाद उसने उस वेजिटेबल में कुछ कोकोनट के ऑयल के स्पून मिलाए एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स करी लीव्स मीठे नीम की पत्तियां और उसने उस डिश को करी लीव से डेकोरेट किया सजा दिया लो एंड बिहोल्ड देखकर लग रहा था कि क्या अचंभित करने वाली चीज है द न्यू डिश वॉज रेडी नई डिश रेडी थी द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग उस बावर्ची ने उस नई डिश को सभी मेहमानों को सर्व किया एवरीवन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश हर कोई उस नई डिश का नाम जानने का इच्छुक था एगर टू किसी चीज को जानने की जिज्ञासा द कुक थॉट एंड थॉट बावर्ची सोचता रहा देन ए नेम केम टू हिज माइंड उसके बाद उसके दिमाग में एक नाम आया ही नेम्ड इट एवियल ओवीएल उसने इस डिश का नाम एवियल रखा वी कैन से ओवीएल
एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में एवियल प्रसिद्ध हो गई एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला फिश, और अब केरला के भोजन में यह एक पारंपरिक डिश के रूप में जानी जाती है। एंड इमेजिन, कल्पना कीजिए, इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, यह सब एक अनवांटेड थिंग्स जो बास्केट में थी उनसे आया। थैंक यू।